बेसिकली HIV काउंसलर। और कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली पब्लिक हेल्थ के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, पब्लिक हेल्थ के अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने दो टाइप के मेडिसिन को कवर किया था, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। आज हम लोग कवर करेंगे तीसरे टाइप का मेडिसिन जिसका नाम है सोशल मेडिसिन। और सोशल मेडिसिन के बारे में अगर जब हम बात करते हैं सोशल मेडिसिन के बारे में, तो सोशल मेडिसिन क्या होता है? सोशल मेडिसिन बेसिकली अगर मैं बोलूँ सोशल मेडिसिन अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सोशल मेडिसिन बेसिकली जूलियस ग्वेरिन जो एक फ्रेंच फिजिशियन थे उनके द्वारा ये टर्म दिया गया था। यानी कि जूलियस ग्वेरिन ने सबसे पहले बार सोशल मेडिसिन को, सोशल मेडिसिन टर्म को इंट्रोड्यूस करा था। इसके बाद ये आइडिया कहाँ से आया सोशल मेडिसिन का आइडिया? बेसिकली अगर हम सोशल मेडिसिन की बात करें तो सोशल मेडिसिन का जो आइडिया आया है हम लोग को, सोशल मेडिसिन का आइडिया आता है हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो हमें सोशल मेडिसिन का भी आइडिया आता है। उसके बाद सोशल मेडिसिन का बेसिकली हम कह सकते हैं कि सोशल मेडिसिन का सोशल मेडिसिन को रिव्यू करा गया। और सोशल मेडिसिन को रिव्यू करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एल्फर्ड ग्रोडजैन जो बर्लिन के थे। और उन्होंने एक बार फिर स्ट्रेस दिया, किसके ऊपर स्ट्रेस दिया? एटायोलॉजी ऑफ डिजीज। उन्होंने कहा कि भाई डिजीज को पढ़ते हो जब, तो डिजीज को पढ़ते वक्त आप लोग उसके अंदर सोशल फैक्टर भी जोड़ो। यानी कि एटायोलॉजी के वक्त आप सोशल फैक्टर भी जोड़ो, जिसको हम लोग सोशल पैथोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? सोशल पैथोलॉजी कहेंगे। अब हम लोग बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो सोशल मेडिसिन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो सोशल मेडिसिन की बेसिकली डेफिनेशन ये बन जाती है, द स्टडी ऑफ मैन एज सोशल बींग इन हिज टोटल इन्वायरमेंट। यानी कि टोटल इन्वायरमेंट, यानी कि बेसिकली किसी भी मैन का वेलबींग का इन्वायरमेंट के साथ ढल जाना, इन्वायरमेंट के साथ ही उसका काम करना क्या कहलाता है? सोशल मेडिसिन कहलाता है। तो सोशल मेडिसिन किस तरफ रिफ्लेक्शन करता है? तो सोशल मेडिसिन रिफ्लेक्ट अ कंसर्न विद द रोल ऑफ फैक्टर इन द एटायोलॉजी ऑफ डिजीज एंड द नीड ऑफ गवर्नमेंटल एक्शन इन द एरिया ऑफ डिजीज प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड मेडिकल केयर। यानी कि आप लोग बेसिकली बोल सकते हो गवर्नमेंट को उन एरियाज़ में काम करना चाहिए जिन एरियाज़ में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिजीज़ को दूसरे तरीके से पढ़ा जाए। डिजीज़ को कैसे दूसरे तरीके? अगर हम डिजीज़ को सोशल तरीके से पढ़ेंगे तो ज़रूर उसके अंदर भी कोई नया फैक्टर निकल के आएगा। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई प्लान करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और डिजीज़ को पढ़ने के तरीके, यानी एटायोलॉजी ऑफ डिजीज़ को सोशल फैक्टर की तरह भी पढ़ना चाहिए। ऐसा बोला गया था सोशल मेडिसिन के अंदर। अब क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ आइडिया रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन प्रिवेंटिंग मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन, यानी मेडिसिन एंड सोशल साइंस। ये जो एक आइडिया था वो सोशल साइंस और बेसिकली आप लोग का मेडिसिन के बीच एक गहरा रिलेशनशिप बताता है कि आप लोग अगर सोशली अच्छे रहेंगे तो आप लोग के पास बेसिकली मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छे टाइप का रिलेशनशिप था। कहता क्या है बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इसका मेन पर्पज़ क्या था? तो मेन पर्पज़ ये है कि सोशल मेडिसिन इंक्लूड केयर ऑफ पेशेंट यानी पेशेंट का केयर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का प्रिवेंशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज, यानी मेडिकल सर्विसेज को अच्छा करना। तो तीन फैक्टर्स पे सोशल मेडिसिन काम करता है। जो पहला फैक्टर है हमारा केयर ऑफ पेशेंट का केयर करना, दूसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करना, और तीसरा जो हमारा मेन फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज, यानी मेडिकल सर्विस का एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना। अब देखिए इसी कारण से मैंने बोला कि जो सोशल मेडिसिन है, सोशल मेडिसिन सिर्फ नया ब्रांच ही नहीं है बट ये एक नया ओरिएंटेशन है मेडिकल साइंस को पढ़ने का। यानी कि सोशल मेडिसिन इज नॉट ओनली अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन बट इट इज़ अ न्यू ओरिएंटेशन टू गिव अ राइट वे और इन मेडिसिन मेडिकल साइंस, यानी मेडिकल साइंस को एक अच्छा तरीका, अच्छे वे देने के तरीकों को हम लोग के बेसिकली क्या बोलेंगे? सोशल मेडिसिन बोलेंगे। तो सोशल मेडिसिन एक सिर्फ ब्रांच नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ सोशल मेडिसिन इज़ नॉट अ ब्रांच। सोशल मेडिसिन सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, बल्कि सोशल मेडिसिन
वो चीज़ है जो एक नया ओरिएंटेशन देता है मेडिकल साइंस को, किसको पढ़ने को, बीमारियों को पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो इसी इट एम्प्राइसेस यानी काफ़ी अच्छे तौर से इसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके, मेडिकल एंड मेडिसिन एंड सोशल साइंस के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाता है। उसके बाद एक प्रोफेसर क्र्यू है, प्रोफेसर क्र्यू जो कि एडिनबर्ग के हैं, प्रोफेसर क्र्यू जो एडिनबर्ग के हैं, उन्होंने सोशल मेडिसिन को दो टर्म की तरह दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने क्या कहा है, सोशल मेडिसिन स्टैंड अपॉन द टू स्टैंड, यानी सोशल मेडिसिन दो स्टैंड पर नेक्स्ट फेज की बात करें या नेक्स्ट स्टेप की मेडिसिन की बात करें तो उसे हम कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं, या फिर कहते हैं हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन कह लीजिए, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। तो क्या है द टर्म पब्लिक हेल्थ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन, यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन सोशल मेडिसिन को हम लोग कम्युनिटी हेल्थ से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने कुछ कंट्रीज़ में ऐसा रिप्लेसमेंट इसलिए हो गया है क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ इन सब को कवर कर लेता है। किस किस को, एक तो कवर करता है आपके प्रिवेंटिव मेडिसिन को और दूसरा कवर करता है सोशल मेडिसिन को। यूरोसिम्फेजिनम 1966 एक तरीके का संगठन है जिसने 1966 में इसकी डेफिनेशन दी। डेफिनेशन या फिर वो ऐसा बोलते हैं कि ऑल द पर्सनल हेल्थ एंड द एनवायरमेंटल सर्विसेज इन एनी ह्यूमन कम्युनिटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सर्विसेज फॉर पब्लिक और प्राइवेट, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी हेल्थ में या फिर आप ह्यूमंस के, आप बेसिकली इस बीमारियों को आप इन्वायरमेंट से जोड़ कर देखिए या फिर जोड़ कर देखिए सोशल मेडिसिन से या जोड़ कर देखिए प्रिवेंटिव मेडिसिन से, लेकिन यहाँ पे मेन पर्पस क्या होना चाहिए, आप लोगों का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि या फिर सर्विसेज प्राइवेट है या फिर पब्लिक है, आपको गेट दोनों करना है, या पब्लिक है जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज तो भी आप लोगों को कम्युनिटी हेल्थ मिलेगा, और जैसे कि प्राइवेट सर्विसेज है तो भी आप लोगों को क्या